तो भाई नाड़ा तोड़ दिया मुजम्मिल ने, पंजाब ने कहा दो टुकड़े कर दिए नाड़े के, होश में आ नौजवान। ये जुल्फिकार फार्मेसी से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जा रहे हैं जामा मस्जिद इफ्तार करने, और हमारे चार पांच दोस्त हैं, दिखाते हैं, चलते हैं। कैब से जाने वाले थे हम, लेकिन जाम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। अब हम पकड़ेंगे मेट्रो का रास्ता, मेट्रो से जाएंगे, और क्योंकि 5 बज गए हैं तो लेट हो जाएंगे, वहाँ पे भीड़ भी जल्दी हो जाती है जामा मस्जिद में। जामिया मेट्रो में हम एंटर हो चुके हैं, यहाँ पे बज गया मुक्का लोगों में, सॉर्ट आउट हो गया, मेट्रो जल्दी हो गया। अब भजवाओ यार, एक हमारे इमाम साहब और आ गए, ये आ गई हमारी पूरी फौज आए कर दो, अभी 2-3 को मंडो और मिलेंगे हमें। कुछ की एंट्री हो गई है, कुछ का बैलेंस नहीं है। हमारी मेट्रो का लगे रोजा है, इतने आराम से आ रही है। तो 36 बिरादरियां बैठ चुकी हैं, सबको सीट मिल गई, कब्जा मार दिया, एक बैठा वो बैठा बेचारा। मैं तो अपना व्लॉग एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये शॉर्ट व्लॉग है, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे सैयद फैसल के नाम से, फॉलो करके देख लो जाके जल्दी। हम दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो स्टेशन में आ गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। यह है कालकाजी मंदिर, जिसमें चलते चलते एक आदमी को रोज़ा लग जाता है, रोज़े की हालत में वो बेहोश भी हो सकता है, और मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 50% रहते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं, घर वालों से अलविदा क्या क्या। हम 6ठे रोज़े को निकले थे और आज 8वां रोज़ा हो गया, चलते चलते इस मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे हम 9वें रोज़े में, और 10वें में इफ्तार करेंगे, पढ़ते हैं। चलो ऐसे भाई, अपने जगह कब्जा ली, एक सीट दी, दोनों बैठ गए, सेट बैठे हैं, इनकी सीट दी, देखो कैसा मुंह बनाए बैठे, देखो कैसा मुंह, इन्हें सरका सरका के उधर कर दिया हमने। एक ही आदमी बिना सहरी का रोजा रखे और खड़ा, अबे आ भी रहा है तो ना, लंबा देखो ना, ओहो भाई साहब भीड़ हो गई भाई, बहुत पकड़े वाली है, एकदम मजेदार। हम उतर गए भाई मेट्रो से बाहर जामा मस्जिद के, और 2 लोग हमारे मिसिंग हैं, हम 3 लोग बाकी साथ में, एक हमारा शूटर पीछे है। चौधरन कहाँ है? ये चौधरन नीचे छोटी सी है ना, वो बिजी। अबे यार क्या कह रहा है तू? अब हम मार्केट में आ चुके हैं, और मार्केट से निकल के अब सामने जामा मस्जिद है पीछे साइड में, और इसी तरह सामने जामा मस्जिद, भीड़ ही भीड़ दिख रही है, बाहर तक लोग खड़े हैं, अंदर जाने के तो मुझे जगह लग नहीं रही। भीड़ देखो यार, बहुत तकड़े वाली भीड़ है, एकदम से पैर रखने की जगह भी नहीं है यहाँ तो, और ऊपर जाके अफ्तारी की जगह ही पता नहीं कैसे मिलेगी। ये भी सोच चुके हैं रमजान रोजा अफ्तार होने वाला है, और हमने कुछ लिया भी नहीं, और दोस्त भी नहीं मिले जिनसे मिलना है, उन्होंने जगह भी कब्जा रखी है, अब भटकते फिर रहे हैं भाई। सब छोड़, खाने का कुछ ले रहा है, पहले पैसे ले रहे हैं शरबत 50 रुपए की बोतल, और ऑनलाइन हमारा नेट चल नहीं रहा, तो बिरयानी ले लो बिरयानी, अब यहाँ तो भी पेमेंट होगी। वापस चलो भाई, वापस चलो, इफ्तार हो गया गाइस, अजान हो गई। ये भाइयों नाम है दीदी, अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम पे तो ने भाइयों ने हमें दे दी थोड़ी सा खाने के लिए, देखे मिल ही जाता है, और इसके दो सब ही नहीं मिले। सबका इफ्तार हो चुका है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, सब सुकून से बैठे कर रहे हैं, और हमें इन्होंने बेचारों ने बहुत सारा इफ्तार दे दिया खाने के लिए, सामान वामान। हमने नमाज पढ़ लिया, नमाज हो रही है, मतलब हो चुकी है, इसलिए नमाज में थोड़ी भीड़ बनाऊँगा। अब भीड़ अपने घर जाना शुरू हो गई, ये हमारे हैं अलमास भाई, अब जामा मस्जिद प्यारी लग रही है एकदम। गाइस भीड़ तो बहुत थी, और अफ्तारी भी हमने अल्लाह का नाम की खाई ली, मिल गई हमारी किस्मत से, बच्चे रो रहे हैं बहुत, मुझे कमबख्त लग रहे हैं। अब हम जा रहे हैं निकल के जामा मस्जिद से बाहर, लाइट वाइट बंद कर दी ताकि लोग फ़ोटो ना ले पाए, ज़्यादा टाइम ना दें, और हम निकल रहे हैं घर की ओर, अब चलते हैं। सर से सर बज रहा है यहाँ पे एकदम, हम तो जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड लास्ट?
फर्स्ट एंड लास्ट आपका कैसा रहा भाई? फर्स्ट एंड लास्ट अगर किसी को किसी को अपना वक्त खराब करना हो ना और परेशान होना हो क्या होगा तो यहाँ जब हम आज इफ्तार करना आ जाओ भाई बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। इतनी भीड़ है ना, हम तो निकल रहे हैं, व्लॉग भी नहीं बन रहा। मत आना बिल्कुल भी, मत आना रमजान में और संडे में, तो आंख बंद करके भी मत आ जाना। तो हम तो बहुत दुखी हैं, लेकिन हमसे एक ज्यादा दुखी है, देखिए बहुत परेशान है, अलग अलग घूम रहा है एकदम। रो रहा था अभी, अभी रो रहा था, सर पकड़ के बैठा था, कह रहा है सुसाइड कर लो। भाई भाई नहीं, भाई नहीं, अगली बार नहीं लाएंगे, रहने दे। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, अबे अगली बार नहीं लाने जा मस्जिद भाई, नहीं लाने, ठीक है, होता है ऐसे होता है, हौसला रख भाई, हौसला रख, हौसला रख। सबसे बढ़िया बात पता क्या कह रहा, तेरी वीडियो के चक्कर में हुआ। अबे मैंने तो वीडियो के चक्कर में रुका, रुक जाओ भाई वीडियो के लिए शॉर्ट दे दो, आधे घंटे पहले पहुंच गए थे ना यहां, 6:13 पे पहुंचे थे, 6:13 पे थे, 6:25 हो रहे थे, एंट्री बड़े सू थे, कभी शरबत खरीद रहे, ऑनलाइन नहीं चल रहा, कभी वो क्या नाम बोल रहे, कैमरे कैमरे के लिए रुका, मैंने कि भाई वीडियो बना नहीं, एक बता, एक बार रुका, पहले कह रहा एक नंबर पे चलो, एक नंबर पे जाओ, अब जान था एक नंबर पे जा कर वहां चला गया, मैंने कहा फिर एक नंबर को घुमा के ले जाते, फिर कह रहा गेट नंबर 3, फिर 3 पे खड़े हो, दो पे खड़े हो, कह रहा नहीं 3 पे, 3 पे आया, देख ये 3 पे बता रहा, रियो कह रहा कभी एक पे कभी एक, तीन बंदा 3 पे खड़ा, एक और तूने क्या कहा बाहर को हाल ही घूमे या बराबर को बराबर को ज्यादा लंबा पड़ता ना, मैंने कहा छोड़ो भाई आइडल ड्रॉप कर रहा, खास तो घूम गए ही है एक लाइन से रोस्ट मार दिया पूरा, आएंगे प्लानिंग करके आएंगे। यो फकीर देखो कैसी बैठी भीख मांग रही, यहाँ से इनका भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है चलिए वीडियो एंड करते हैं, वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और अरे यार उसका रमजान चल रहा है, ठीक है अल्लाह हाफिज़ भाई।